आदमी वहां जानता है कि वहां पर उन्होंने सरकार पैसों से बनाई थी, पैसों से सरकार बनाई थी, चीट किया एक सेक्शन ने, चीट किया पार्टी को, और भाजपा ने उनको धोखा देने के लिए पार्टी को उसके लिए पूरा संरक्षण दिया। तो ये इस समय मध्य प्रदेश के लोग ये समझते हैं कि जब हमने 5 साल का कांग्रेस को हक दे दिया था तो वो हक तलवी क्यों हुई, हमारे निर्णय को क्यों बदला गया। इस समय मध्य प्रदेश में भाजपा बनाम जनता है, जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है और भाजपा के साथ पास सत्ता है। सर, आप चाइना और हमारा 2000 किलोमीटर क्षेत्र ले गया है और पीएम अभी तक कह रहे हैं कि कोई नहीं आया। जब हमारा सरकार, हम जब सरकार से बात करते हैं तो वो आर्मी के पीछे छुप जाते हैं, सरकार और आर्मी दोनों ही अलग। देखिए, आर्मी हमारा सम्मान है, हमारा मान है, हमारा अभिमान है सब, और आप आर्मी शब्द का उपयोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए करें या अपनी आलोचना से बचने के लिए करें, क्या मांग रहा है विपक्ष या कांग्रेस क्या कह रही है? यही तो कह रही है कि भाई चीन हमारे यहाँ क्या स्थिति है बॉर्डर पर, इतनी विस्फोटक स्थिति बना दी है, कुछ हिस्सों में वो कब्जे में है और यदि कब्जे में नहीं है तो बीच में कुछ जगह से जो पीछे हटा है चीन, जिसका तुमने झिझोरा पीटा है, जब उसके कब्जे में था ही नहीं तो फिर पीछे कहाँ से हटाऊँ। सत्ता ने, सरकार ने खुद कहा है लेपसांग में दूसरी जगह जो है चीन पीछे हटा है करके। तो इसलिए जब सरकार स्वीकार कर रही है कि वो पीछे हटा है कुछ जगह, और हम कह रहे हैं कुछ और जगह भी हैं जहाँ चीन घुसा है, तो इस पर आप संसद में बहस कर लीजिए। आप संसद में बहस नहीं करते, आप जो इसकी कंसल्टेटिव कमेटीज़ हैं उनमें आप ये बात नहीं करते, स्टैंडिंग कमेटी में आप बात नहीं करते, यहाँ तक कि अपोजिशन के नेताओं के साथ आप क्लोज डोर मीटिंग करने को तैयार नहीं है इस विषय में। यदि संवेदनशील मामला है तो आप अपोजिशन के नेताओं को बुलाइए ना, कहिए भाई आप कह रहे हैं हम बुलाते हैं, लेकिन दिक्कत हमारे सामने ये है, बताइए। तो आप कहीं न कहीं पर कि चीन आक्रामक है, चीन आक्रांता है, चीन ने हमारी सीमा पर वो किया है, उसको आप सील क्यों कर रहे हैं और वो सील करने के लिए आप सेना का सहारा क्यों लेते हैं? हम यदि चीन हमारी सीमा में घुस रहा है, हमारे सैनिकों के ऊपर हमला कर रहा है, लोहे की रॉडें लेकर के और उस पर तार लगा करके आ रहा है, तो इस बात को, इस सत्य को यदि राहुल गांधी जी ने कहा तो इसमें आप उसको सेना के अपमान और अपमान की बात क्यों कर रहे हैं? अरे आया, उन्होंने हम पर हमला किया। सर, मध्य प्रदेश की हम बात आज है कि 2024 में चेहरा जो है राहुल गांधी होंगे प्रधानमंत्री का, इसमें कोई शक थोड़ी है। देश उनको ही विपक्ष के नेता के रूप में देखता है और वही है जो मोदी जी की पॉलिसीज के खिलाफ खड़े हैं, लड़ रहे हैं, उनके पीछे सब लोग खड़े हैं किसी रूप में, जो है किसी न किसी रूप में। राजनीतिक बात अलग है, मगर राष्ट्रीय स्तर पर जब हम देखते हैं तो विपक्ष की धार को, जिसमें कांग्रेस भी सम्मिलित है, उसको तेज करते हुए, उसको धार देते हुए, उसको आगे बढ़ाते हुए श्री राहुल गांधी जी दिखाई दे रहे हैं। सर, मुस्लिम राष्ट्र मंच ने कहा अवेयर होना चाहिए क्योंकि वो उनको मिसगाइड कर रहे हैं, इसमें ये तो सरकार को जो है वो करना चाहिए, जो सही प्रोस्पेक्ट में चीज़ों को रखना चाहिए। सर, गृह मंत्री जवान खड़े हुए हैं, एक इंच भी कोई हमारे जो है क्षेत्र में आ नहीं सकता है, और साथ ही उनको हिमवीर का नाम दिया गया है जो कि पद्म भूषण और पद्म उससे भी ज़्यादा ऊपर सम्मानित नाम है। बहुत अच्छा है, दी वो उससे भी सम्मानित नाम है तो अच्छी बात है, और ITBP का गठन ही जो है इंदिरा जी के समय में इसीलिए किया गया था। उनका ये वो अपने दायित्व को बहुत बखूबी निभा रहे हैं, हम लोगों को इस बात का गर्व है। और बेसिकली ITBP का सीधा संबंध हमारे क्षेत्रों से है जो हिमालयन क्षेत्र हैं जो है, लेकिन आप सेना का या सेना के शौर्य का जब प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, अपने साथ अपनी
पार्टी के साथ जोड़ना चाहते हैं तो आप सेना का या अर्धसैनिक बल इनका अपमान करते हैं, और इस बात को भाजपा के नेताओं को समझना चाहिए। उनका शौर्य और पराक्रम जो है, उनकी बहादुरी राष्ट्रीय संपत्ति है, वो राष्ट्र का अभिमान है, उसको आप भाजपा के अभिमान के रूप में नहीं कर सकते। आप ये कह सकते हैं कि भाई राष्ट्र को गर्व है उन पर और भाजपा को भी गर्व है। हम कहेंगे राष्ट्र को गर्व है, कांग्रेस को भी गर्व है। एक आखिरी सवाल सर, 2000 और साथ ही 21 लोकल लोगों को जो है आतंकवादियों ने मारा है। स्थिति जम्मू कश्मीर में जैसी दर्शाई जा रही है वो स्थिति नहीं है, चिंता के कारण बने हुए हैं, और बहुत सरकार को चौकन्नेपन से काम करने की ज़रूरत है। बल्कि बाहर के आतंक से ज़्यादा अब होम ग्रोन आतंक जो वहाँ पनप रहा है वो चिंता का विषय है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।